आज की जो क्लास है विजुअल बेसिक की प्रैक्टिकल की, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट ए डायनेमिक एरे ऑफ एन नंबर्स एंड एन स्ट्रिंग्स। यानी कि आपको एक डायनेमिक एरे बनाना है और उसमें उसको सॉर्टिंग करनी है। तो ये सिंपल सॉर्टिंग वाला जो प्रोग्राम है वही है। तो असाइनमेंट नंबर 13 हम लोग करते हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विजुअल बेसिक में जो नंबर्स हैं और जो आपके स्ट्रिंग होते हैं, दोनों के लिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम बिल्कुल सेम वेरिएबल की तरह काम करता है। क्लियर है? हाँ, तो असाइनमेंट नंबर 13 को हम लोग बना करके देखते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल बेसिक ओपन कर दूंगा और सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाना है सॉर्टिंग का, जिसमें हमको एरे बनाना होगा। तो मैं सबसे पहले अपना फॉर्म थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ और हम लोग इसके फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बटन बनाऊंगा और इसमें लिख देता हूँ सॉर्ट। सॉर्ट हमको दो चीज करनी है, नंबर और, तो मैं सॉर्ट वन या नंबर लिख सकता हूँ और सॉर्ट टू, दो बटन बनाते हैं हम लोग, सॉर्ट वन और सॉर्ट टू। एक में नंबर होगा और एक में स्ट्रिंग होगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखा गया है कि एक नंबर्स को भी सॉर्ट करना है और स्ट्रिंग को भी सॉर्ट करना है। तो दोनों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बटन यहाँ पर बना लिए हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से डायनेमिक एरे बनाना चालू करते हैं। पहले वाले सॉर्टिंग के लिए, डायनेमिक एरे बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिम ए ब्लैंक एज इंटीजर। आपको पता है कि डायनेमिक एरे की साइज नहीं देना होता है, तो मैंने यहाँ पर कोई साइज नहीं दी, 5, 6, 8, 9 ऐसी कोई साइज मैंने नहीं दी है, क्योंकि डायनेमिक एरे की जो साइज होती है वो इनिशियली ब्लैंक होती है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर एक डायनेमिक एरे क्रिएट कर चुके हैं और हम उसमें जो भी वैल्यूज लेंगे, एन नंबर्स को हमको इनपुट लेना है। तो एन नंबर्स को इनपुट लेने के लिए यहाँ पर हम सिंपल सा एक लूप चला सकते हैं या हम डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर इसकी साइज यहीं पे दे देते हैं, स्टैटिक तरीके से बनाएंगे, रीडिम ए 5 एज इंटीजर। तो मैंने यहाँ पर दो दो स्टेटमेंट लिखा। पहली लाइन पर जो लिखा हुआ है वो एक डायनेमिक एरे है और रीडिम करके उसकी साइज दी जाती है। तो मैंने तुरंत इसकी साइज दे दी। आप चाहें तो उसको 10 लाइन के बाद, 20 लाइन के बाद भी दे सकते हैं। दोबारा 5 से 10 करना है वो भी कर सकते हैं रिडीम करके। तो ये सिंपल आपका स्टैटिक से और डायनेमिक एरे को मैंने साइज दे दी है और मैं वैल्यूज दे देता हूँ। अगर मुझे सॉर्टिंग करना है तो मैं जानबूझ के उटपटांग वैल्यू दूंगा। मैं यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, A0 इक्वल टू, मैं दिया जानबूझ के इस तरीके की उटपटांग वैल्यू देता हूँ ताकि सॉर्टिंग में वो सही वैल्यू सामने आए। तो ये पहली वैल्यू आपकी एरे की आ गई, A0 इक्वल टू 70। 2, 3, 4, 5 वैल्यू आएगी और आपको पता है कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। एरे का जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके हम 4 तक चला सकते हैं, लेकिन विजुअल बेसिक में ये खासियत है कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी सिक्वेंस में ना हो करके इस तरीके की वैल्यू मैंने दिया जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में नहीं है। अगर ये सॉर्टेड में होती तो 10 सबसे ऊपर होता, 10, 20, 60, 70, 90, बढ़ते या घटते क्रम में नहीं है ये। हमको करना यही है कि इसको सॉर्टिंग कर देना है। तो सॉर्टिंग करने का जो एल्गोरिथम होता है जिसको बबल सॉर्ट बोलते हैं, बबल सॉर्ट करने का जो तरीका होता है उसको हम पहले समझते हैं कि बबल सॉर्ट होता क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कुछ एलिमेंट है, जैसे मान के चलिए ये 5 एलिमेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 7, 2, 1, 5, 6। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है, शुरू के 2 नंबर्स को लिया जाता है और इनको बढ़ते क्रम में रख देते हैं। तो 2 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो एक स्टेप के बाद 2, 7, 1, 5, 6 ऐसा हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट 2 को लेंगे और इसको बढ़ते क्रम में रखेंगे, तो फिर क्या होगा, 2, 1, 7, 5, 6। फिर ये जो 7 और 5 को लेंगे, फिर 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। ऐसा एक स्टेप जब जाएगा ना, तो 7 जो अपनी सही पोजीशन पे लास्ट पे पहुंच जाएगा, लास्ट में।
तो एक एलिमेंट एक लूप में यहां से यहां तक आ जाएगा सही जगह पर। तो पांच एलिमेंट है तो लूप को 5 बार चलाना पड़ेगा, यानी कि अगर पांच एलिमेंट है तो टोटल 25 बार होगा। एक एलिमेंट को 5 बार और पांचों एलिमेंट को 5 5 बार, तो 25 बार चलाना होगा। इस टेक्निक को बबल सॉर्ट बोलते हैं। तो आपको पता है कि 25 बार या 5 का मल्टीपल चलाना होता है, तो हम 2 लूप चलाएंगे, ये लूप 5 बार, ये लूप 5 बार, टोटल चलेगा 25 बार। क्लियर है? और अंदर में यहाँ पर स्वैपिंग का कोड करेंगे। स्वैपिंग क्या होती है, आपको पता है कि ये नंबर यहाँ आ जाना और ये नंबर यहाँ आ जाना, जैसे 7 और 5 है, तो 7 यहाँ, 5 इधर आ जाना और 7 इधर आ जाना, इसको स्वैपिंग बोलते हैं। और स्वैपिंग का प्रोग्राम हमने पहले भी बनाया है। तो असल में एल्गोरिथम ये बोलता है कि जब भी हम 2 नंबर लेंगे और वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, यानी कि ये वाला नंबर जो है वो छोटा है, तो स्वैपिंग हो जाएगी। अगर ये नंबर बड़ा होता, जैसे यहाँ पर होता 7 और यहाँ होता 9, तो इन दोनों को जब हम बबल सॉर्ट करेंगे, तो पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में है, 7 पहले है, 7 ही पहले होना चाहिए। तो अगर पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 9 और 7 होता, अगर इधर आगे 9 होता और इधर 7 होता, तो बबल सॉर्ट में फिर स्वैपिंग होती। स्वैपिंग मतलब 7 आगे आ जाता और 9 पीछे चला जाता। तो स्वैपिंग सिर्फ एक ही कंडीशन में होगी, जब आपका जो पीछे वाला जो नंबर है वो छोटा होगा सामने वाले नंबर से। क्लियर है? इसको एल्गोरिथम में बस हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने कोड पे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 2 लूप चलाएंगे। आपको पता है कि फॉर मैं जो लूप चला रहा हूँ, i=02, आपको पता है 0 से इसलिए चला रहे हैं लूप क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से चल रहा है, 4, 0 to 4 हर एलिमेंट के लिए चलाएंगे हम। और इंटरनल एक लूप चलेगा फॉर j, मैं यहाँ पर आई जे ना लिख करके r और c लिखता हूँ, ताकि आई जे में काफी कंफ्यूजन होता है। r और 0 कॉलम से समझिए, 0 to, अब आपको यहाँ पर चलाना होगा 3 तक। ये क्वेश्चन यहाँ पर हुआ कि 3 तक क्यों चलाए हम, क्योंकि आपको पता है कि 3 तक इसलिए चला रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, मान के चलिए हमारे पास 5 नंबर है, 1 6 7 1 6 5 2, तो जब फर्स्ट टाइम पे जब लूप चलेगा तो ये दोनों सेलेक्ट होंगे, सेकंड टाइम पे ये दोनों सेलेक्ट होंगे, थर्ड टाइम पे ये दोनों सेलेक्ट होंगे और फोर्थ टाइम पे ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी अगर 5 एलिमेंट हैं तो 4 बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब 5वीं बार चलाएंगे तो इसका कंपैरिजन किससे होगा, आगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए एक कम बार चला रहे हैं यहाँ पर। तो हमने एक कम बार यहाँ पर लूप चलाया और 3 तक, यहाँ पर जो रहेगा उससे एक कम रहेगा ये कंपैरिजन के लिए। चलिए हम लोग आगे इसको करते हैं। अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर स्वैपिंग का कोड लिखेंगे। स्वैपिंग का प्रोग्राम हम पहले भी बना चुके हैं कि स्वैपिंग में लिखा कोड में रहता है कि इफ हम स्वैपिंग के लिए यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन देते हैं कि ac+1 अगर ग्रेटर देन है ac से स्वैप होगा, तो स्वैप करेंगे हम। स्वैप करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे t=ac+1 और ac+1 जो है उसमें आएगा ac और ac में आएगा टेम्पररी वेरिएबल। अब ये जो स्वैपिंग का प्रोसेस है ये हमने कैसे किया, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, इसको अगर मैं ए सी बोलूं, इसको मैं अगर ए सी बोलता हूं तो ये ac+1 होगा। क्यों सी प्लस 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 वन होगा, क्योंकि अगर ये a1 है तो उसके जस्ट बगल वाला a2 होता है, एक आगे होता है। तो ac+1 अगर ac+1 बड़ा है ए सी से तो स्वैपिंग होगी, यानी ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। यही चीज मैंने लिखा है कि ac+1 बड़ा है ac से। अब देखिए यहाँ पर कोड में लिखा है कि ac+1 बड़ा है ac से तो स्वैपिंग होगी।
अब स्वैपिंग में क्या यूज कर रहे हैं, ये 3 लाइन कोड है, थर्ड वेरिएबल का यूज करके स्वैपिंग कर रहे हैं। स्वैपिंग क्या होता है आपको फिर से मैं बता दूं कि अगर आपके पास दो वैल्यू है, मान के चलिए 2 है और दूसरी वैल्यू है 6, इसका नाम बस आप याद रखिए, ये ए सी है और ये ए सी प्लस 1 है, क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनको स्वैपिंग करने के लिए मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया टी, ठीक है, पहले ये 6 को इसमें रखा तो ये खाली हो गया, फिर 2 को इसमें डाला तो यहाँ 2 आ गया, अब ये खाली हो गया, और 6 यहाँ पे रखा तो ये आ गया। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो पहले 2 6 था अब 6 2 हो जाएगा और स्वैप हो गया वैल्यू। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है, अगर आपके पास दो ग्लास है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास अगर दो ग्लास है और एक एक ग्लास रेड कलर की है और उसमें रेड कलर का वाटर भरा है, और दूसरी जो ग्लास है ये ब्लू कलर की है और इसमें ब्लू कलर का वाटर भरा है, तो आपको क्या करना है, ब्लू वाटर को यहाँ देना है और रेड वाटर को वहां देना है, तो इसको चेंज करना है, कलर चेंज करना है। रेड ग्लास का पानी ब्लू में जाना चाहिए, ब्लू ग्लास का पानी उसमें जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा ग्लास ले लोगे। एक एक्स्ट्रा ग्लास मैंने लिया जो खाली है, जिसको टी बोल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ये ब्लू का पानी इसमें आ जाएगा, ब्लू का पानी इसमें आने का मतलब है कि इसमें ब्लू कलर का पानी आ गया और ये जो है वो एम्प्टी हो चुका है, क्लियर है, इसको हम एम्प्टी कर देते हैं, ये वाला ग्लास जो है वो एम्प्टी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रेड वाला जो पानी है उसको क्या करेंगे, रेड वाले वाटर को इसमें डाल देंगे, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, आपका रेड कलर का वाटर आ जाएगा और ये वाला जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, क्लियर है। अब ये जो टी वाला था उसको हम यहाँ पर, इसका वाटर जो है हम यहाँ पर दे देंगे, यानी कि ब्लू कलर का जो वाटर है उसको हम यहाँ पर दे देते हैं इसमें, तो यहाँ पर ब्लू कलर का वाटर आ जाएगा और अब ये एम्प्टी हो जाएगा, क्लियर है। तो एक तीसरे ब्लैंक वेरिएबल का यूज किए हैं उसी को परफॉर्म करने के लिए। देखिए खाली वाले में सबसे पहले ए सी को खाली कर दिए, सी प्लस 1 का वैल्यू टी में दे दिए, ठीक है। अब ए सी प्लस 1 खाली हो गया तो ए सी प्लस 1 में इसका वैल्यू दे दिए, अब ए सी खाली हो गया तो ए सी का वैल्यू पुराना टी वाला जो वैल्यू है इसमें दे देगा, स्वैपिंग हो जाएगा। अब स्वैप तो हो गया लेकिन स्क्रीन पर दिखाई कैसे देगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्वैप के बाद क्या होगा, अब हम एक लूप चला करके एरे की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। लूप चला करके एरे की वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, मैं यहाँ पे था फॉर आई इक्वल टू 0 to 4, आपको पता है कि 4 बार क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 4 तक रहेगी, और चुपचाप इसको प्रिंट कर देते हैं ए आई, क्लियर। अब ये बिफोर स्वैप यहाँ पे प्रिंट करते हैं, बिफोर स्वैप मतलब कि स्वैपिंग के पहले आपका क्या था और स्वैपिंग के बाद में क्या है, स्टार्टिंग में तो ये है, फिर स्वैपिंग के पहले क्या था, और अब शुरू में क्लियर स्क्रीन के लिए ना इसमें CLS लिखा जाता है। चलिए क्लियर स्क्रीन के बाद देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, जब मैं इसको रन करूंगा थोड़ा स्क्रीन बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि 10 अलग अलग नंबर आएंगे यहाँ पर। देखिए क्लिक किया तो बिफोर स्वैप के पहले जो नंबर का सिक्वेंस था वो क्या था, 70 90 10 60 और 20, और अभी क्या हो गया है, 90 70 60 20 और 10, ये उल्टे ऑर्डर में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जम गया है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो लेस ग्रेटर देन दिख रहा है ना इसको लेस देन कर दो, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में जम जाएगा। ये देखो ये आपका जो आफ्टर स्वैपिंग जो प्रोसेस हुई है उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि आफ्टर स्वैपिंग में क्या हुआ, पहले जो नंबर किसी भी सिक्वेंस में डालो आउटपुट यही आएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आप कुछ भी डालते हैं, यहाँ पर मैं 70 की जगह 60 कर देता हूँ और 60 की जगह 70 कर देता हूँ तो भी आउटपुट वही आएगा जो स्वैपिंग के बाद आया। ये देखिए
क्लियर है। तो ये स्वैपिंग हुई है, इसको हम तीन प्रोसेस में किए हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया। पहले एक वेरिएबल एरे बनाया, फिर एरे को एज इट इज प्रिंट कर दिया, 60, 90, 10, 70, 20। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक स्वैप किए, और उसके बाद जब दोबारा सेम कोड प्रिंट किए, ये सेम कोड है यहाँ पर प्रिंट किए, तो वो अरेंज हो गया। मतलब आप उसको कैसे भी एरे में कैसे भी वैल्यू डालो, आउटपुट उस सीक्वेंस में ही आएगा। जैसे आपने सुना होगा कि आप आपने कभी सुना होगा कि बिल्ली को आप कैसे भी ऊपर उछालोगे, वो एकदम सीधा होके ही नीचे आती है। तो किसी भी एंगल में आप उसको अगर ऊपर छोड़ दोगे ना, तो वो अपने आप को रोटेट करके नीचे जो है अपने पैर के बल पे ही जंप करती है वो। ठीक है, वैसे ही है। ऊपर इनपुट में अगर आप कुछ भी देते हो, आउटपुट में आपको वही चीज मिलेगा। ऊपर आप कुछ भी सिक्वेंस चेंज करते रहिए। अब ये हमारा नंबर्स को हमने स्वैप किया, अब स्ट्रिंग को स्वैप करना है। सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना है, पूरा कोड हम कॉपी करेंगे। ऐसा यहाँ तक सिंपल मैंने इसको कॉपी किया, क्योंकि विजुअल बेसिक की खास बात यह है कि यही चीज अगर सी में होता तो थोड़ा सा आपको कोड चेंज करना पड़ता है, लेकिन विजुअल बेसिक में कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ सॉर्ट टू में जाना है। पूरे कोड को मैं पेस्ट कर दूंगा, देखिए कोड को पूरा पेस्ट कर दिया मैं, सेम कोड है। सिर्फ आपको यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं ना, इसके जगह यहाँ पर स्ट्रिंग के इंटीजर के जगह क्या लिखना होगा, स्ट्रिंग, और यहाँ पे कुछ नाम लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ जाहिद, मैं यहाँ पे कुछ ना, और नाम जो है डबल कोट में रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमन, मैं पूरा स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल स्मॉल को अलग मानता है वो, है ना। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनीता, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमित, और यहाँ पर लिखते हैं हम राजा। अब देखिए ए नाम वाला पहले आएगा, लेकिन तीन ए नाम वाले हैं, तो उसको भी वो अरेंज करेगा कि सेकेंड नाम एम एम है तो फिर कौन आएगा पहले, ए एन है तो कौन आएगा पहले, देखते हैं। तो थर्ड जो सेकेंड वाला सॉर्टिंग है उसमें कुछ भी नहीं करना है हमको। देखिए क्लिक किया, कांट चेंज डेटा टाइप ऑफ एनी, ओके। यहाँ पर भी हमको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, इंटीजर की जगह स्ट्रिंग लेना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए बिफोर स्वैपिंग पहले का जो इनपुट है, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि पहले जैसा लिखा हुआ है एज इट इज वैसा ही प्रिंट हो गया यहाँ पर बिफोर स्वैपिंग में। और स्वैपिंग के बाद आप देख रहे हैं कि पहले आया अमन, फिर अमित, फिर अनीता, फिर राजा, फिर जाहिद। ये जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जम गए हैं, क्योंकि ए नाम जो है वो तीनों जगह है, इसलिए उसका सेकंड अक्षर देखा। एम पहले आता है, एन बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर एम भी सेम है, तो ए वाले को लिया पहले, अमन लिया है। क्लियर है। तो ये कुछ भी नहीं करना है, केवल इनपुट चेंज करिए, और विजुअल बेसिक ऑटोमेटिक उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाएगा, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यानी कि डबल सिंगल हो, या फिर आपका स्ट्रिंग हो। तो इस तरीके से हम लोग असाइनमेंट नंबर अभी जो ये है, असाइनमेंट नंबर 13 है हमारा। एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राइट टू सॉर्ट ए डायनेमिक एरे ऑफ एन नंबर्स एंड स्ट्रिंग। दोनों को हमने किया कि ये डायनेमिक एरे है और ये स्ट्रिंग का एरे था, और ऊपर हमने उसका नंबर्स का एरे को सॉर्ट किया था।